बिसमी वाला तो आज हम अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे गए और कितना अर्सा मछली के पेट में रहें इस किस्से करें अलगर्ज आप कौम के साथ नाराज होकर बस्ती से निकले और एक कश्ती में सवार हुए कश्ती हिचकोले खाने लगी और मौजों के भंवर में फंस गई और डोलने लगी और बोझल हो गई करीब था कि कश्ती वाले सब गर्क हो जाए मगर कश्ती वालों ने मशवरा किया कि हम आपस में क़ुरानदाज़ी कर लें जिसके नाम कुरान निकल आए इसको दरिया में फेंक देते हैं ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो सके और डूबने से बच जाए जब कुरानदाज़ी हुई तो कुर आपके नाम निकला लेकिन वो लोग आपको दरिया में फेंकने के लिए तैयार ना थे तो दूसरी दफ़ा कुरानदाज़ी हुई तो फिर भी क़ुर आपके नाम निकला फिर तीसरी बार कुरानदाजी हुई तो फिर भी आपके नाम निकला अब वो बड़ा मामला पेश आया जो अल्लाह चाहता था यानी कि आपको समंदर में फेंक दिया गया अल्लाह तूर साफात में इशारा फरमाता है और पैगंबरों में से थे जब भाग कर भरी हुई कश्ती में पहुंचे इस वक्त कुरा डाला तो उन्होंने जुक उठाई फिर मछली ने इनको निगल लिया और वो काबिल मलामत काम करने वाले थे वाक़ यू हुआ कि जब आपके नाम कुरा निकला तो आपने खुद को समंदर के हवाले कर दिया अल्लाह तला ने बहरा खजर से एक बड़ी मछली भेजी जिसने आपको निगल लिया और अल्लाह ताला ने मछली के नाम फरमान जारी कर दिया कि यह तेरी खुराक नहीं है बल्कि ये अमानत है लिहाजा इसका गोश्त नहीं खाना ना इसकी हड्डी तोड़नी है मछली ने आपको पकड़ा और एक अरसे तक आपको समंदर में लिए फिरती रही और ये भी कहा गया कि इस मछली को एक और बड़ी मछली ने निगल लिया था कहते हैं कि मछली के पेट में पहुंचे तो आपने समझा कि मैं मर चुका हूं। लेकिन जब अपने अजा को हरकत दी तो आपने महसूस फरमाया कि मैं जिंदा हूं तो अल्लाह के लिए सजदा में गिर पड़े और अर्ज किया मेरे रब मैंने इबादत के लिए ऐसी जगह को सजदा गाह बनाया है कि किसी ने ऐसी जगह को कभी सजदा नहीं किया होगा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितना अरसा मछली के पेट में रहे इस बारे में उलमाए तफसीर का इख्तिलाफ है हज़रत मुजाहिद ने शबई रहमतुल्लाह से बयान किया है कि आपको मछली ने चाश्त के वक्त निकला और शाम को बाहर फेंक दिया और हजरत कतादा फरमाते हैं कि आप मछली के पेट में तीन दिन रहे जाफर सादिक रहमतल्ला ने फरमाया कि सात दिन मगर सईद बिन अबी अल हसन और अबू मालिक रमतल्ला का कहना है कि आप मछली के पेट में चालीस दिन ठहरे मगर हकीकत के लिहाज से अल्लाह बेहतर जानता है कि आप कितना अरसा मछली के पेट में रहे मछली आपको लेकर समंदर के नमकीन पानी और समंदर की तारीखियों और गहराइयों में घूमती रही वहां आपने सुना कि मछलियां रहमान की तस्वीर पढ़ रही हैं, यहां तक कि आपने दाने और गुटली फाड़ने वाले अल्लाह के लिए कंकरियों को तस्वीर कहते हुए सुना वो अल्लाह जो सातों आसमानों जमीनों और उनके दरमियान सब कुछ का परवरदिगार है ऐसे वक्त और मुकाम पर ऐसे वक्त और मुकाम पर जून ने अपनी ज़बान हाल और मकाल से कहा जिसकी ख़बर इज़्ज़्ज़्ज़्ज़्ज़्ज़्जत जलाल वाले पोशिदा चीज़ों को जानने वाले और मुसीबतों को दूर करने वाले ने दी जो आवाज़ों को सुनता है ख्वा इतनी ही कमज़ोर क्यों ना हो और वह पोशिदा चीज़ों को जानता है ख्वा वो कितनी ही बारीक क्यों ना हो वह दुआओं को सुनता है ख्वा वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो उसी ने अपनी किताब मुबीन में फरमाया जो उसी ने अपने रसूल अमीन पर उतारी और वो कायलीन में से सबसे ज्यादा सच्चा है रब्बुलमीन है आल अलमरसलिन है अल्लाह ताला सूर्य लम्बिया में फरमाते हैं और याद कर मछली वाले को जब वो चल दिया अपने घर वालों की तरफ़ से वो गस की हालत में था इसने गुमान किया कि हम इसकी गिरफ़्त नहीं करेंगे इस पर तंगी नहीं करेंगे इसने अंधेरों में पुकारा के ए इलाही तेरे सिवा कोई मबूद नहीं तू पाक है बेशक मैं कसूरवारों में से हूँ बस हमने इसकी दुआ को कबूल किया और इसे गम से निजात दी और हम इसी तरह ईमान वालों को निजात देते हैं इब्न मसूद इबन अब्बास मोहम्मद बिन काफ सईद बिन जबीर रजील फरमाते हैं कि सलाम ने मछली के पेट के अंधेरे समंदर के अंधेरे रात के अंधेरे में अल्लाह ताला को पुकारा सालिम बिन अभी कहते हैं कि इस मछली को एक और मछली ने निगल लिया था इस लिहाज से दो मछलियों का अंधेरा था और दूसरा समंदर की तह का अंधेरा साफ़ात में फरमाते हैं अगर ये बात ना होती कि वो तस्बीह करने वालों में से हो गए तो वो मछली के पेट में लोगों के उठाए जाने के दिन तक ठहरते इसके दो मफहम बयान किए गए हैं पहला मफ़ूम यह है कि बाज ने कहा कि इसका मफ़ूम यह है अगर वह मछली के पेट में तस्बीह ना पढ़ते ला इलाहा इल्ला अंता का इन्नी कुंतों में ना कहते अपनी आजी और इंकसारी का एतराफ़ ना करते और इसकी तरफ रुझू और तोबा ना करते तो कयामत के दिन तक वहाँ रहते और मछली के पेट से ही उठाए जाते दूसरे मफह में यह बयान किया गया है कि अगर वह मछली के पकड़ने से पहले वो फर्माबरदार और नमाजी और अल्लाह को कसरत याद करने वालों में से ना हो और यही मफहम की तायद यह हदीस भी करती है जो हजरत इबन अब्बास से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल वसम ने फरमाया लड़के मैं तुझे चंद बातें सिखाता हूँ अल्लाह को याद करो वो तुझे याद करेगा अल्लाह अल्लाह को याद करो तू इसे अपने सामने पाएगा फराखी की हालत में तू इसे याद कर वो तुझे तंगी में याद रखेगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने यूनुस सलाम को मछली के पेट में बंद करना चाहा तो इस मछली की तरफ वही फरमाई कि इसको पकड़ मगर इसको कोई जख्म ना आए और ना इसकी हड्डी टूटे और जब मछली अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की तह में गई तो यून अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी तो अपने दिल में ही कहने लगे कि ये क्या है अल्लाह ताला ने आपको मछली के पेट में ही वही फरमाई कि ये समंदर के जानवरों की तस्बीह पढ़ने की आवाज़ है तो यूनुस सलाम ने भी मछली के पेट ही में अल्लाह ताला की तस्वीर कही और जब फ़रिश्तों ने आपकी तस्वीर कहने की आवाज़ सुनी तो फ़रिश्ते कहने लगे अल्लाह हम अजनबी सी जगह में हल्की सी आवाज़ सुन रहे हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा बंदर यूनुस है इसने मेरी नाफरमानी की तो मैंने इसको समंदर के अंदर मछली के पेट में बंद कर दिया फ़रिश्तों ने कहा कि या अल्लाह वो तेरा नेक बंदा है और हर रोज़ इसके नेक नेकमाल तेरी तरफ़ बुलंद होते हैं अल्लाह ने कहा हाँ ऐसे ही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों ने यून साम की सिफ़ारिश फ़रमाई बस अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया इसने आपको साहल समंदर पर बीमार हालत में डाल दिया ये अल्फाज मुफसर इब्ने जबीर के हैं हज़रत अनस बन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अल्ला व वसलम ने इशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला के नबी यूनोल को मछली के पेट में अल्लाह ताला से दुआ करने का ख्याल आया तो कहने लगे लाहा इल्ला अंता सुबह न कानी कुंतों में न ए अल्लाह तेरे सिवा कोई मबूद नहीं तू पाक है बेशक मैं जुल्म करने वालों में से हूँ जब अल्लाह ताली ने मछली को हुक्म दिया तो उसने आपको खुली ज़मीन पर डाल दिया और अल्लाह ताला ने आप पर कद्दू की बेल उगा दी रावी कहते हैं कि हमने हज़रत अबू हुरर रजी अल्लाह तहों से पूछा कि यकीन क्या है आपने एर्षात फरमाया कि कद्दू की बेल को कहते हैं और हज़रत अबू हुरर रज़ी अल्लाह ये भी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जंगली बकरी पैदा कर दी और इसको आपसे मानूस कर दिया और वह ज़मीन से घास वगैरह खा कर गुजारा करती थी और सुबह और शाम आपको दूध पिलाती रही यहाँ तक कि आपने अच्छे अंदाज से नशोनुमा पाई और बाज फरमाते हैं कि आप पर कद्दू की बेल उगाने के बहुत से फवायद मलूज थे इसके पत्ते बहुत नरम होते हैं इसकी तादाद काफी होती है सायदार होते हैं मक्खी इसके करीब नहीं जाती इसका फल शुरू से लेकर आखिर तक खाया जा सकता है ये कच्चा और पक्का दोनों हालतों में खाया जा सकता है इसके छिलके और बीज से फ़ायदा उठाया जा सकता है अलगर्ज बहुत फ़ायदेमंद और मकवी दिमाग है वगैरह हजरत अबू हर रजी अल्लाह तनों की हदीस में इसका जिक्र गुजर चुका है कि अल्लाह ताला ने एक जंगली बकरी आपके मस्कर कर दी जंगल से चढ़ लेती थी और सुबह शाम आपके लिए दूध मुहैया करती थी ये अल्लाह ताला का एहसान और आप पर इसका फजल और रहमत थी इसलिए अल्लाह ताला तरशाद निजात देते हैं मतलब यह है कि जो भी हमें पुकारता है और हमारी तरफ़ पना लेता है हम इसे इसी अंदाज़ से बदला देते हैं